यूं ही नहीं कहते गंगा जमुनी तहजीब वाला शहर। महादेव की काशी से रामनगरी अयोध्या आएगा विशाल दीपक। माँ गंगा के तट से आई मिट्टी और शमा खान ने दिया आकार। शमा खान के राम दिया से चिढ़ जाएंगे कट्टरपंथी मुसलमान। भगवान राम की नगरी अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाली प्राण प्रतिष्ठा के लिए जहां जोर शोर से तैयारी हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ महादेव की काशी में भी जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। और ये उत्साह हो भी क्यों ना, क्योंकि इसी काशी से रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए शुभ मुहूर्त निकाला गया। इसी काशी के सांसद नरेंद्र मोदी प्राण प्रतिष्ठा समारोह में मुख्य यजमान होंगे। यहाँ तक कि पुजारी से लेकर यज्ञ पात्र, सहस्त्र कलश जैसी वस्तुएं भी काशी से ही भेजी जा रही हैं। और अब इसी काशी से एक ऐसा विशाल दीपक भी जा रहा है जिसकी रोशनी से रामलला का आंगन जगमगा जाएगा। महादेव की काशी को गंगा जमुनी तहजीब का शहर यूं ही नहीं कहा जाता है। यहाँ तो जब भगवान शिव की बारात भी निकलती है तो उनके सिर पर एक मुस्लिम कारीगर के हाथों से बनाई गई खास पगड़ी होती है। और अब भगवान राम की नगरी अयोध्या में होने जा रहे प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए विशाल दीपक भी भेजा जा रहा है। तो इस दीपक से भी गंगा जमुनी तहजीब की सुगंध आएगी, क्योंकि राम मंदिर के लिए काशी में बनाए जा रहे इस दीपक की खासियत ही यही है कि इसे बनाने के लिए माँ गंगा के तट से मिट्टी लाई गई है और इस मिट्टी को दीपक का आकार देने का काम किया है समा खान जैसी राम भक्त ने, जो एक मुस्लिम होने के बावजूद श्री राम काज में लगी हुई है। क्योंकि उनका धर्म भले इस्लाम है, लेकिन वो कट्टरपंथी मौलानाओं की तरह दूसरे धर्म के प्रति कट्टर नहीं है। दूसरे धर्मों के लिए वो आदर भाव रखती है और इसी आदर भाव के साथ शमा खान पिछले कई दिनों से छात्राओं के साथ मिलकर विशाल दीपक का निर्माण कर रही है, जिसे नाम दिया गया है राम जी का दिया। ये 10 दिनों के अथक प्रयास से बनाए गए हैं, मेरे और मेरे बच्चों के जरिए ये बना है। और ये 5 फुट लंबा है और ये 4 फुट चौड़ा और 1.5 फुट ऊंचा ये दिया। और ये श्री राम जी का दिया है जो कि अयोध्या के लिए प्रस्थान करेगा। अयोध्या भेजे जाने के लिए बन रहा ये दिया काशी के आर्य महिला नागरमल मुरारका मॉडल स्कूल में बनाया जा रहा है, जिसकी प्रबंधक पूजा दीक्षित ने बताया। राम मंदिर हमारे आस्था का प्रतीक है। हमने अपने दादा परदादाओं को देखा है राम मंदिर निर्माण के लिए कितना संघर्ष किया है, इसलिए बच्चों ने भी सोचा हम भी अयोध्या के लिए यहाँ से एक दीपक भेजे जो राम मंदिर में दिन रात जले। बच्चों ने मुझसे बोला कि ऐसा कुछ करें कि हमारी भी एक नाम और हमारा भी एक श्रद्धा हम अयोध्या तक पहुंचा सकें। तो वहीं पे बात छिड़ी कि एक बड़ा सा भव्य दिया बनाया जाए, ताकि उसमें 101 किलो बोलिए घी अगर उसमें अर्पण हो तो वो कम से कम रात दिन जले। मैं आशा करती हूँ कि ये अयोध्या तक पहुँचे और बच्चों की बेटियों की बनाए हुए ये भव्य दिए का भी अवलोकन सभी करें। इस विशाल दीपक को जलाने के लिए देसी घी की भी बड़ी मात्रा में जरूरत पड़ेगी, इसलिए स्कूल से ही 100 किलो देसी घी भेजा जा रहा है, जिससे रामलला के घर यानी राम मंदिर के आंगन में ये दीप जलाया जाएगा और इसी दीपक से अयोध्या जगमगाएगी। एक तरफ जहां शमा खान जैसी मुस्लिम महिला भगवान राम के आंगन के लिए विशाल दीपक बना रही है, तो वहीं दूसरी तरफ इसी देश में शफीकुर रहमान बर्क जैसे सपाई सांसद भी हैं, जो कोर्ट के फैसले के बावजूद आज भी अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। सांसद जी, 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन है, क्या आप जाएंगे वहाँ? बिल्कुल जाऊंगा मैं, मेरे जाने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। मेरी मस्जिद जो के वहाँ बनी, एक जमाने की मस्जिद थी, बनी हुई थी, अपनी जगह में बनी हुई थी, लेकिन इसके बावजूद भी उस मस्जिद को बहरहाल ख़त्म कर दिया गया और ज़बरदस्ती ताकत के बलबूते पर सब लोगों ने मिलकर उसको
मिसमार कर दिया और खत्म कर दिया, और आज उसका फिर वो कोर्ट में भी उसका मुकदमा गया, लेकिन कोर्ट में भी हमारी उम्मीद के खिलाफ हुआ, और यहाँ तक के अब उस पर यानी मंदिर बनने का आदेश हो गए, तो ये उस पर सोने पे सुहागा, और ये किया कि मस्जिद हमारी शहीद कर दी और उस जगह मंदिर बनाया जा रहा है, तो ये तो बिल्कुल कानून के खिलाफ है, इंसानियत के खिलाफ है, बहरहाल दुनिया की रिवायात के खिलाफ है। देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के बाद राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद अखिलेश यादव की पार्टी सपा को राम मंदिर फूटी आंख नहीं सुहा रहा। यही वजह है कि सपाई सांसद शफीकुर रहमान बर्क कोर्ट के फैसले के बावजूद राम मंदिर का विरोध कर रहे हैं, और न्योता मिलने पर प्राण प्रतिष्ठा में जाने का सवाल पूछा गया तो तपाक से कह दिया कि मैं क्यों जाऊंगा। यानी एक तरफ जहां शफीकुर रहमान बर्क जैसी सोच वाले लोग हैं जो राम मंदिर निर्माण बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, तो वहीं दूसरी तरफ शमा खान है और वो भी मुसलमान है, लेकिन बर्क की तरह राम विरोधी मुसलमान नहीं है। उन्होंने तो भगवान राम के आंगन में जलाने के लिए विशाल दिया भी बनाया है जो जल्द ही अयोध्या पहुंचने वाला है। बहरहाल राम भक्त शमा खान के बारे में आपका क्या कहना है, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। वाराणसी से NMF न्यूज के लिए शिवम गुप्ता की रिपोर्ट। अगर कांग्रेस साथी 1947 में सोमनाथ मंदिर की तर्ज पर अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का मार्ग भी प्रशस्त हो जाता, लोक पुरस्कार वाला भाई पटेल ने जब अगुवाई की, तो कांग्रेस के उस समय के नेतृत्व ने विरोध किया। अयोध्या में राम मंदिर का कांग्रेस विरोध करती रही। जब आंदोलन खड़ा हो गया तो उन्होंने एक नया सबों पर छोड़ दिया कि काम तो हुए ही नहीं। आखिर कांग्रेस ने कहा ना, सर्वोच्च न्यायालय ने मैंने एफिडेविट दिया राम नहीं है, ये तो मिथक है, कृष्ण मिथक है। अब जो पार्टी सबसे पुरानी पार्टी होने का दावा करती हो, अगर वो अपने महापुरुषों को अपनी आस्था के प्रतीकों को विस्मृत कर दे रही है तो उसको रहने का अधिकार तो नहीं होना चाहिए। भाइयों बहनों, कांग्रेस ने समस्या दी, मोदी जी आए और उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार आई, डबल इंजन की सरकार ने अयोध्या की समस्या का सर्वे समाधान कर दिया।